ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर छोटे वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। ये हमारा टेक न्यूज का 132 एपिसोड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर छोटे वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड को। दोस्तों आज की पहली खबर की बात करें तो ये आ रही है इंडियन टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से। दोस्तों रिलायंस जियो ने आज एक इवेंट के अंतर्गत कुछ नए तीन बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। नॉर्मली तौर पर जो अनाउंसमेंट है ये आईपीएल के रिगार्डिंग है। सबसे पहला एक प्लान निकल के आया है जो है करीब करीब 251 रुपए का। यहाँ पे आपको वैलिडिटी देखने को मिल जाएगी 51 दिनों तक, और बेनिफिट जो आपको देखने को मिल जाएगा वो है 102 जीबी का डेटा, और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया उन्होंने टीवी शो के रिगार्डिंग, मतलब टीवी शो तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जियो टीवी उनका जो ऑफिशियल साइट बोले या फिर उनका जो ऐप है वहां पे आपको शो देखने को मिलेगा। एक आईपीएल जब चलेगा तब से वहां पे सुनील ग्रोवर देखने को मिलेंगे आपको, जो नॉर्मली पिछले साल आपको देखने को मिले होंगे कपिल शर्मा में, वही आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। वो एक जाने माने कॉमेडियन है, वो आपको शो में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा और अनाउंसमेंट है, जो अनाउंसमेंट है वो है यहाँ पे गेम को लेके। नॉर्मली तौर पे जियो एक और गेम निकालने वाला है, एक और गेम करता तो उनका तो पहला ही गेम है, वो एक गेम को निकालने वाला है आईपीएल के अंदर। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi की तरफ से। दोस्तों अगर आप एक Xiaomi लवर हैं तो ये जो खबर है आपके लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों Xiaomi का जो MI फैन सेल है वो आज से चालू हो गया है। इसे आप Xiaomi MI फैन फेस्टिवल भी बोल सकते हैं या फिर Xiaomi MI फैन सेल भी बोल सकते हैं। दोस्तों इस सेल के अंतर्गत Xiaomi के बहुत सारे डिवाइस, चाहे वो टेलीविजन वगैरह हो, स्मार्ट टीवी को उन्होंने लॉन्च किया है, या फिर उनके कोई और डिवाइस हो, पावर बैंक हो, मतलब जितने भी उनके गैजेट देखने को मिलते हैं सभी पे आपको बहुत कमाल कमाल के छूट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इन डिवाइसेस को खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी Xiaomi का एक बहुत ही बड़ा सेल चल रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus की तरफ से। दोस्तों OnePlus के अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस OnePlus 6 रिलेटेड कुछ लीक्स और रूमर्स देखने को मिले हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि OnePlus जो नए डिवाइस को लॉन्च करने वाला है OnePlus 6, जहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि वेरिएंट जहां पे आपको देखने को मिलेगी 8GB की रैम, 256GB की इनबिल्ट स्टोरेज, और साथ ही साथ उस डिवाइस का जो प्राइस होने वाला है वो है तकरीबन 35,000 रुपए के आसपास। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले कुछ और लीक्स और रूमर्स निकले थे जहां पे बताया जा रहा था कि आने वाला जो OnePlus 6 है उसका प्राइस होगा करीब 40,000 रुपए के आसपास, लेकिन लीक्स और रूमर्स निकल के आई है कि उनका जो 8GB रैम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस और भी कम करके OnePlus लॉन्च करेगा, यानी करीब 35,000 में लॉन्च कर देगा। तो बेसिकली अगर 35,000 के आसपास इस डिवाइस को लॉन्च करता है जहां पे देखने को मिल जाए 8GB की रैम, 256GB की इनबिल्ट स्टोरेज, और साथ ही साथ यहां पे तो पक्का किया गया है कि Qualcomm का लेटेस्ट प्रोसेसर Snapdragon 845 देखने को मिलेगा, मतलब कि ये सब स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा 35,000 में, तब तो कमाल ही हो जाएगा। अब नॉर्मली हम लोग को वेट करना है कि OnePlus कब लॉन्च करता है अपने डिवाइस को। ऐसा तो रिपोर्ट निकल के आई है कि जो OnePlus का ये फ्लैगशिप डिवाइस है OnePlus 6 इस महीने के अंत तक लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi की तरफ से। दोस्तों ये जो खबर है Xiaomi के न्यू डिवाइस को लेके है। अगर चाइना के अंतर्गत चले जाएं तो इस डिवाइस का नाम है MI6X, या फिर इंडिया के अंतर्गत आप चले आए तो ये है MI A1 का सक्सेसर MI A2। इससे रिलेटेड कुछ लीक्स और रूमर्स देखने को मिले हैं। नॉर्मली तो आपको बताया जा रहा है कि जो डिवाइस है अब लॉन्च होने से कुछ दिन दूर है, मतलब कि जो डिवाइस है MI6X या फिर MI A2 इस महीने के अंत तक लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग वेट करेंगे कि इस डिवाइस कौन से दिन लॉन्च होता है। ये कंफर्म नहीं किया गया है कि किस डेट को लॉन्च होगा, लेकिन रिपोर्ट ये बता रही है कि जो डिवाइस है इस महीने के अंत तक लॉन्च होगा। अब नॉर्मली हमें वेट करना होगा और लॉन्च हो जाएगा तब देखेंगे कि Xiaomi ने क्या कमाल किया अपने नए डिवाइस Xiaomi MI6X या फिर Xiaomi MI A2 के साथ। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग की तरफ से। दोस्तों ये जो खबर है सैमसंग का नया डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ को लेके है। नॉर्मली तौर पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सैमसंग के एक और डिवाइस J सीरीज का आने वाला है जो हो सकता है गैलेक्सी J8, लेकिन J2018, लेकिन मैंने आपको कल के एक और टेक्नोलॉजी एपिसोड में आपको बताया था आज से कुछ दिन पहले टेक्नोलॉजी एपिसोड में कि J8 2018 जो डिवाइस है वो लॉन्च ना होके J7 डुओ लॉन्च होगा। तो ऐसे में उनका जो वेबसाइट है वहां पे इसे लिस्ट किया गया है। नॉर्मली अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है कि किस डेट को लॉन्च होगा, लेकिन लिस्ट कर दिया गया है, तो ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बहुत जल्दी ये डिवाइस लॉन्च होने वाला है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है अमरीकी दिग्गज
कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए एक अच्छी खबर साबित हुई होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर में एक नया अपडेट देखने को मिला है। इस अपडेट के माध्यम से बहुत सारे बग देखने को मिल रहे थे जिसे फिक्स किया गया है, और साथ ही साथ कुछ और नए फीचर देखने को मिले हैं। ऐसे में अगर आप लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को तो अपडेट कर लीजिए, और नहीं यूज करते हैं तब तो कोई बात नहीं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी मोटोरोला के तरफ से। दोस्तों मोटोरोला का अपकमिंग जी सीरीज लॉन्च होने वाला है, मतलब कि मोटोरोला का जो अपकमिंग जी सीरीज है मोटो जी 6 सीरीज लॉन्च होने वाला है 19 अप्रैल को। एक ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से कन्फर्म किया जा रहा है कि 19 अप्रैल को ही मोटो का जी 6 लॉन्च हो जाएगा, मतलब जो जी 6 सीरीज है वो लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसे में अब ज्यादा दिन है नहीं, 19 तारीख में नॉर्मली 19 तारीख को ही देखेंगे कि मोटोरोला ने क्या कमाल किया अपने नए जी सीरीज मोटो जी 6 सीरीज के साथ। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग की तरफ से। दोस्तों ये जो खबर है सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस पिछले साल का गैलेक्सी S8 और S8 प्लस को लेके है। सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस जो यूनाइटेड स्टेट्स का वेरिएंट है वहां पे एंड्रॉइड 8.2 ओरियो ऑफिशियली मिलना चालू हो गया है, यानी सैमसंग ऑफिशियली रोल आउट कर रहा है एंड्रॉइड 8.2 ओरियो को अपने गैलेक्सी S8 और S8 प्लस US वेरिएंट के लिए। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है इंडियन टेलीकॉम कंपनी जियो की तरफ से। दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके माध्यम से पता चलता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में आपको जियो पेमेंट बैंक में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक देखने को मिला, पेटीएम पेमेंट बैंक देखने को मिला, और भी बहुत सारे बैंक देखने को मिले। तो नॉर्मली तौर पर RBI की तरफ से इन्हें अप्रूवमेंट मिल गया है, तो इसके बाद जियो पेमेंट बैंक भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ऐसे में बहुत से लोग खुश भी हुए होंगे जिनकी जियो फेवरेट कंपनी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से, सबसे बड़ी सोशल मीडिया फेसबुक की तरफ से। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में फेसबुक करने वाला है पोल, क्रिएट करेगा पोल। नॉर्मली वो खुद पूछेगा अपने यूजर से, मतलब कि मालूम है कि दुनिया भर में बहुत सारे फेसबुक के यूजर हैं, वो खुद पूछेगा उनसे एक सर्वे के दौरान कि क्या फेसबुक सही है कि नहीं दुनिया के लिए, मतलब कि फेसबुक ठीक है यानी अच्छा है, बुरा है, खराब है, बहुत अच्छा है, या फिर इससे क्या दिक्कत है दुनिया को, या फिर इससे क्या फायदा है। नॉर्मली तौर पर सर्वे करने वाला है, मतलब कि अपने यूजर से ही पूछने वाला है पोल क्रिएट करके कि फेसबुक ठीक है कि नहीं है। दोस्तों आज के अंतिम खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लेनोवो के सब ब्रांड मोटोरोला की तरफ से। दोस्तों मोटोरोला के अपकमिंग डिवाइस मोटोरोला मोटो जी 6 प्ले के कुछ लीक्स और रूमर्स देखने को मिले हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाला मोटो जी 6 प्ले में आपको देखने को मिल सकता है 5.7 इंच का 18:9 एक्यूरेसी वाला फुल HD प्लस डिस्प्ले, साथ ही साथ फ्रंट में आपको देखने को मिल सकता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, रियर में आपको देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, साथ ही साथ एंड्रॉइड 8.2 ओरियो आपको देखने को मिल सकता है, 4 GB की रैम हो सकती है, 64 GB की बिल्ट स्टोरेज हो सकती है, और साथ ही साथ करीब करीब 3500 mAh के आसपास की बैटरी देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राइस अभी भी सामने लीक होके नहीं आई है, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक मोटो इस डिवाइस को लॉन्च कर देगा, मतलब कि मोटोरोला अपने मोटो जी 6 प्ले को इस महीने के अंत तक लॉन्च कर दे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का यह एपिसोड पसंद होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियां यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः इसी पर प्रसारित होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।